नमस्कार साथियों, मैं संदीप नोखवाल, HBN24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी जो है चंडीगढ़ एंड राजगढ़ हाईवे पर हूँ मैं, नेशनल हाईवे 9 पर। तो आप बारिश देख रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की जो है शुरुआत हो चुकी है। हालांकि शुरुआत तो काफ़ी दिन पहले से ही हो चुकी है, लेकिन अभी आज जो है बारिश देख सकते हैं आप, कितनी ज़बरदस्त बारिश यहाँ पर हो रही है। और 5 जुलाई आज है और आप देख पा रहे हैं पानी, गाड़ी के शीशे पर आप पानी देख पा रहे हैं और बाइक पर हमारा ओन है, फिर भी जो है सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप देख पा रहे हैं कितनी जो है बारिश आ रही है यहाँ पर, और बारिश का जो है ये माहौल है काफ़ी टाइम से, यानी सुबह से माहौल है, लेकिन बारिश अभी आई है। और बारिश के कारण जो है रोडों की क्या हालात होगी ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी तो हाईवे पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं, तो जो है बारिश को लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके शहर में, आपके गांव में बारिश हो रही है तो आप देख सकते हैं। और आगे मैं रोडों के हालात आपको दिखाऊंगा और जो है इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए चलते हैं गांव के अंदर जाकर देखते हैं कि कैसे हालात हम आपको मिलेंगे बारिश के कारण। हालाँकि बारिश से काफ़ी परेशानियाँ जो है लोगों को होती है, क्योंकि बारिश के कारण जो है फसलें भी प्रभावित हो रही है। अगर क्योंकि बारिश हरियाणा के अंदर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा ही हो रही है, और इसके कारण काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। जो है रोड फूटे पड़े हैं, रोडों पर खड्डे हो जाने की वजह से जो है व्हीकल को नुकसान हो रहा है और काफ़ी हादसे भी हो रहे हैं। तो ऐसे रोड भी दिखाऊंगा जहाँ पर पानी ऊपर तक जमा हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे। तो साथियों, अभी बगड़ा रोड पर मौजूद हूँ, यह देख सकते हैं बारिश के कारण पेड़ गिरे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं रोडों के अंदर प्रॉब्लम है और सड़कों पर पानी जमा है, देख सकते हैं सड़क काफ़ी फूटी हुई है। सड़क के हालात तो काफ़ी ख़राब है ही, साथ में बारिश के कारण जो है खड्डों के अंदर पानी भर जाता है साइड में, आप देख पा रहे हैं। और बारिश से नुकसान तो मैंने आपको दिखा दिया है, काफ़ी जगह पेड़ भी गिर चुके हैं। शायद बारिश से पहले यहाँ पर आंधी भी आई है जिसके कारण जो है पेड़ों को नुकसान हुआ है। और ऐसे में देख सकते हैं जो साइड में कितना पानी भर चुका है, रोड पर गड्ढे, रोडों पर ही पानी भर चुका है, जिसके कारण काफ़ी परेशानी होती है किस प्रकार से रोड फूटा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी वैसे तो होती है हर टाइम, लेकिन बारिश में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और बारिश के बाद के जो हालात आप देखते हैं, काफ़ी बारिश यहाँ पर हुई है, साइड में आप देख सकते हैं खेतों में पानी भर गया है। और कोई परेशानी नहीं है, बल्कि जो रोडों पर जो खड्डों के अंदर पानी भर जाता है उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, खासकर अनजान लोगों को जो यहाँ पर रोडों से गुजरते हैं। और मैं आपको कुछ अन्य हालात भी दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा HBN24 न्यूज़ के साथ। लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।